पानीपत में कोरोना से तीसरी मौत हो चुकी है। लगातार मौत का आंकड़ा भी प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। 20 वर्षीय युवती की कोरोना से मौत हुई है। टीबी ग्रस्त ये महिला बताई जा रही है और 20 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। पानीपत में अब कुल मिलाकर के 35 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जितेंद्र शर्मा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हमारे साथ पानीपत से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरह से ये चिंता करने वाली खबर सामने आई है और तीसरी मौत हो चुकी है, ऐसे में पानीपत में लापरवाही की तस्वीरें भी बहुत सामने आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल कीर्ति, देखिए जिस तरीके से लगातार मैं ये कहूंगा कि हर दिन कोई ना कोई डेथ हो रही है और वो जो है कोरोना पॉजिटिव से डेथ हो रही है, अपने आप में चिंता का विषय है। लेकिन हरियाणा न्यूज हमेशा से, जब से लॉकडाउन हुआ है, तीसरा लॉकडाउन था और उसके बाद जो था, पहले ही ऑरेंज जोन के बाद जो था, जिस तरीके से रखा गया था पानीपत को ऑरेंज जोन में, और लगातार जो है 10 से 11 पेशेंट निकल के आए थे, उसके बाद भी जो है हरियाणा न्यूज हमेशा यही आवाज उठाता रहा कि अगर इस तरीके की लापरवाही रही तो कहीं ना कहीं ये जो है ये भयंकर परिणाम देगी, और हमने बार बार दिखाया भी है। लेकिन आज ये परिणाम सामने आ रहा है कि देखिए कि गली मोहल्ले गांव कस्बे से निकलकर जो है पेशेंट आने लगे हैं। मैं बता दूं आपको कि झटीपुर से बिहार की रहने वाली थी और सेक्टर 11 में अपने जीजा जी के पास आई थी और उसका इलाज चल रहा था, और उसको कुछ ही समय पहले जो है इसको खानपुर भेजा गया था, जहां इसकी शुक्रवार देर रात डेथ हो गई। अब देखना यह है कि जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं, मैं आपको एक चीज और भी बता दूं कि देखिए अब तक जो है अपडेट जो है कोरोना पे ये है कि 1878 सैंपल जो है इसमें लिए गए हैं, 1665 केस जो है वो नेगेटिव आए हैं और 110 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। फिलहाल एक दिन के अंदर जो है 110 रिपोर्ट आ चुकी है जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, और अभी जो है 102 घरों के बाहर नोटिस उनको होम क्वारंटाइन। आप अंदाज ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम इस जानकारी के लिए।